अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अक्सर मैं ये सोचती थी, जब मैं कुकिंग करती थी, कुकिंग चैनल था, मैंने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में मैं यही सोचती थी यार, कुकिंग कितनी मुश्किल है, वीडियो बनाना कितना मुश्किल है। और मैंने खैर फिर साल तकरीबन 2 साल जो है कुकिंग की, उसके बाद फिर मैंने एकदम व्लॉगिंग की तरफ आ गई, क्योंकि व्लॉगिंग का ज़्यादा जो था ना वो चल रहा था, ट्रेंड एक चल रहा था, हर बंदा व्लॉगिंग कर रहा था और कामयाब हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं फिर ना ब्लॉगिंग की तरफ आ जाती हूँ, मुझे ये ज़्यादा आसान लगने लगा कुकिंग की नस्बत। कुकिंग में मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। आज से मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातें किया करूँगी। मुझे तकरीबन 3 साल से भी ज़्यादा, मतलब 4 साल हो गए हैं मुझे इस चैनल पे काम करते हुए। मुझे दोनों में से कुकिंग ज़्यादा मुश्किल लगी है। मुझे ब्लॉगिंग मुझे कम, मतलब टाइम में मेरी हो जाती है, लेकिन कुकिंग के लिए प्रॉपर एक आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना, वो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता था। खैर आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले जी मैं बताती हूँ कि मैं सबसे पहले तो कोई अगर कपड़े पहनने, कपड़े दिखाने, या कपड़े अगर स्लीव्स वगैरह ब्लॉगिंग में आ रही है तो उसके लिए मैं कपड़े अपने लिए एक अच्छा सा सूट कोई सा भी होता है वो प्रेस करती हूँ, जो भी घर में पहनना होता है। ज़रूरी नहीं है बहुत फैंसी बहुत कीमती सूट पहने, आप ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे बेहतर है कि एक साफ़ सुथरा जोड़ा पहनना पड़ता है, क्योंकि स्लीव्स तो आ ही जाती हैं हाथ, मतलब आपके आते हैं ना, तो इस वजह से। फिर भाई यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चिकन बना रही थी स्पेशल, कोई मैं इस वीडियो के लिए नहीं कुछ बना रही, और ना ही मैं कभी अपने चैनल पे स्पेशल कोई चीज़ बनाती हूँ। बच्चों का कुछ दिल करता है तो मैं बनाती हूँ और खाती हूँ। हाँ स्पेशल तब बनाती थी जब मेरा कुकिंग चैनल था, तब मुझे जो जो रेसिपीज आती थी ना वो मैं बना के ना अपलोड करती जाती थी, वो मैं स्पेशल करती थी काम। अब जो है ये स्पेशल काम नहीं होता, बस व्लॉगिंग में जो बना रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, वो सब कुछ दिखाती हूँ। अच्छा ये मैंने ना एक शेफ़ है उनको देखा था कि उन्होंने चिकन को मैरिनेट करके ना इस तरीके से बना के खाया था और उसकी तारीफ़ें की थी। आज मैंने सोचा मैं क्यों ना इस तरह बनाऊँ और खाऊँ और बच्चों को भी खिलाऊँ। ये बहुत कम टाइम में बन जाता है, बहुत ही मतलब बेसिक से मसाले इसमें जाते हैं, कुछ बाज़ार से नहीं ख़रीदना पड़ता। हाँ इसे आपने तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे मैरिनेट करके ज़रूर रखना है, उससे ये होता है कि चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर टेस्ट जायका सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। बेसिक मसाले जितने आपके घर में ही हैं, मुझे भी जो जो मिल रहे हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि हंडिया में चिकन में जाते हैं ना। तो ये कोरमा है ना कढ़ाई है, बस ये बड़ा मज़े का एक सालन बना था जो अच्छा टेस्टी बन गया था, तभी मैंने सोचा चलो ये आप लोगों से शेयर भी कर लेती हूँ। दही भी अच्छा, इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये मेरे पास थोड़ी सी ना नीचे की कसूरी मेथी बच गई थी जिसमें रेत होती है, अमूमन रेत होती है, इसे धो के वॉश करके ही डाला करें, कुछ देर भिगो के रख दें ना ये फूल जाती है, रेत सारी नीचे चली जाती है। और फिर मैंने जिस तरीके से डाली ऐड की है, आप सेम उसी तरीके से ऐड करें, कभी भी किरकिर नहीं होगा आपका जो सालन होगा, खाना होगा, जो भी होगा। अच्छा फिर मैंने इसमें फेंट के दही ऐड किया है, जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं मसाले की नस्बत, मतलब जितने टमाटर डालेंगे उस हिसाब से आपने ऐड करना है। मैंने तो यहाँ एक स्मॉल और एक लार्ज टमाटर ऐड किया था। आजकल टमाटर इतने को बुरे आ रहे हैं ना, स्मेल वाइज भी बुरे आ रहे हैं और टेस्ट वाइज भी बुरे आ रहे हैं, खट्टे भी बहुत होते हैं भाई। कोई सब्ज़ी बनाओ तो उसमें जायका नहीं होता, गोश्त बनाओ उसमें जायका नहीं होता, टमाटरों की खटास इतनी बुरी लगती है। खैर कोई बात नहीं, अब मैंने इसे 2 घंटे मैरिनेट करके रखूँगी, दीगर उतने में और दूसरे काम कर लेती हूँ घर के, वो तो लाती है मैं ब्लॉगिंग में, वो लाने लगी ना तो मासी लगूंगी मैं। खैर कोई बात नहीं, घर के कामों में कोई मासी नहीं होता, लेकिन वो करना इस अंदाज से होता है ना कि आप लोगों को मासी ही लगता है फिर इंसान। अच्छा खैर मैंने यहाँ पे ना अब जो है ना एक खुश्क जिसे कहते हैं ना बर्तन ले लिया है, फ्राई पैन, उसके अंदर मैंने घी डाला है, ठीक है। मैं सरसों ऑयल में अभी नहीं बना रही, ठीक है, और ये झटपट बन जाएगा ना, ज़रा बच्चों को अच्छा भी लगेगा। घी में वैसे कढ़ाई कहते हैं ना अच्छी बनती है, बड़ी टेस्टी बनती है घी मक्खन में, तो इस वजह से मैं घी में बना रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, लहसुन अदरक पेस्ट भी इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारा लहसुन अदरक जो है ना वो ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, वो ये ना हो कि लहसुन अदरक की इसे मैं लाती रहे, डकारे भी उसी की आते रही, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। अच्छा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना अपने घी को, उसके बाद फिर ये मैं आपसे रेसिपीज भी व्लॉगिंग भी सब कुछ ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने ना बहुत ज़्यादा घी को गर्म नहीं किया था, मैंने उसमें डाल दिया था क्योंकि दही डालना है ना, दही फट जाता है जैसे गर्म चीज़ में आप डालें ना तो फट जाता है। अच्छा ये वाला पानी मैं बिल्कुल नहीं फेंकूंगी, एंड में ऐड करूंगी, ठीक है। अभी तो मैं ट्राई करूंगी ना चिकन को इसमें, और इसे थोड़ी देर ढक के भी रख दूंगी, और इसे वो अल्टी पल्टी कहते हैं क्या कहते हैं, उल्ट पुल्ट कहते हैं, वो भी करूंगी अभी इसे। अभी बिल्कुल इसमें पानी नहीं डालेंगे, दही के पानी में ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर उल्ट पड़ी ना तो डाल देंगे पानी। गलाना भी तो होता है ना कि चिकन को, कच्चा तो नहीं गोश्त खाना होता। अच्छा यहाँ पे पता है क्या, टमाटर बहुत ही बुरे आजकल के, जैसे कि आपको पता है गलने का नाम नहीं लेते। मैंने क्या किया, इसे एक आधा घंटा ना फ्रीज़र में रख दिया, जैसे मैंने फ्रीज़र में रखा तो इसके छिलके आसानी से नरम हो रहे हैं, टमाटर भी नरम हो गए मेरे। अच्छा फिर भी इतने ढीठ थे ये गले नहीं, मुझे मैश करना पड़ा लकड़ी की डोई से ना। अच्छा खैर मैंने सारे छिलके रिमूव कर दिए, उसके बाद इसकी कटिंग की। प्याज एक मैंने ले लिया,
एक जैसे कहते हैं ना मीडियम साइज का प्याज ही लास्ट में दोनों चीजें जाएंगी जाएंगी, इन्हीं से टेस्ट बनना ही बनना है ना। हम खाली टिक्का थोड़ी बना रहे हैं, हम तो कढ़ाई टाइप बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं। अल्लाह जाने कढ़ाई थी सालन था क्या बला थी। अच्छा खैर जो भी था बड़ा मजेदार था, बहुत टेस्टी था, अच्छा बना था। सैलड और रायते के साथ तो कमाल का लगना था ना। हमने तो विदाउट सैलड रायते बना रायते के साथ बनाया ना, हमने रात को खाना था ना, इस वजह से हमने दोनों चीज़ों को ना कट कर दिया था। हमने कहा ये तो हजम ही नहीं होती इस वजह से। अच्छा क्या किया था मैंने, अब हाँ थोड़ा सा उसे फ्राई भुना था, उल्ट पुल्ट किया था, पानी दही का खुश होने के बाद टमाटर प्याज डाला था। उसके बाद मैंने इसे मैंने ये भी चेक किया था, अगर गोश्त नहीं गला होता ना, मैं थोड़ा सा पानी डाल के दम पे गलने के लिए भी रखा था। अब क्या किया, टमाटरों को अच्छे से मैश करी हूँ, जैसे मैंने बताया ना बड़े ढीठ किस्म के किसी इलाके के हैं ये टमाटर, ना गलते ना जायके में अच्छे। खैर अब मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्च डाली, इससे कमाल का फ्लेवर आता है, ठीक है ना। चूल्हा बंद कर दिया, हो गया था फाइनली। मैंने चाय बनाई अपने लिए। अब पता चला व्लॉगिंग कितनी मुश्किल होती है, मतलब कोई काम आसान नहीं होता, वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को अच्छा रखना पड़ता है, अपने घर को अच्छा रखना पड़ता है। भाई मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। यहाँ आज इतवार का दिन था, हफ्ते का दिन था, बच्चों ने खूब उधर मजाया हुआ था, यहाँ पे बैठ के मुसलसल वो अपना काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, जो उनका है वर्क है, जो उनका काम है आप देख ही रहे हैं, पेपर्स भी फैले होते हैं, सब कुछ होता है। खैर मैंने साइड पे कर दिया इनको और एक थोड़ा सा सोफे के कवर को सही किया, क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के आपसे बाय बाय भी करना है और चाय भी पीनी होती है इसी पुरसकून जगह पे आके। तो फिर मैं यहाँ बैठ गई थी, चाय बनाई थी। मुझे अब पता चला है कि व्लॉगिंग वाकई में बहुत आसान है, जो कुकिंग है ना चैनल यानी कि कुकिंग रेसिपीज शेयर करना वो बड़ा मुश्किल काम है, वो तो मेरा दिल ही नहीं करता शेयर करने को। हाँ जो पकाया जो खाया शेयर कर दो बस, जो पिया जो खाया वो शेयर कर। व्लॉगिंग बहुत ही आसान सा इजी सा होता है, अपनी थोड़ी सी इन्वायरमेंट जो होती है ना इर्द गिर्द की, उसको थोड़ा सा आप क्लीन कर दें, अपने कपड़े थोड़े से क्लीन पहन लें, बातें बातें कर लें, गप्पे शप्पे मार लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।